नमस्कार फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे क्या? प्रिज्म। आज हम पढ़ेंगे प्रिज्म। अब प्रिज्म होता क्या है? पहली बात तो हम बात कर लेते हैं प्रिज्म क्या होता है। ठीक, प्रिज्म होता है, प्रिज्म एक ऐसी चीज होती है जिसमें क्या होता है कि जैसे पहले बता देता हूँ, जैसे प्रिज्म होता क्या है। बेसिकली प्रिज्म होता है ये क्या होता है, प्रिज्म। ठीक है, ये हो गया आपका प्रिज्म। प्रिज्म होता है कोई भी, ये कहते हैं ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, ये कहते हैं कांच की स्लेबों से बना, किसी एंगल पर झुके हुए कांच की स्लेब, उसको हम कहते हैं प्रिज्म। ठीक है, किसी समांग पारदर्शी माध्यम में की उस आकृति को कहते हैं जिस जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा हुआ होता है। जो क्या होता है, समतल पृष्ठों से, समतल पृष्ठ है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है प्रिज्म, जैसे ये एक समतल पृष्ठ है, ये एक समतल पृष्ठ है कि नहीं है, तो किसी एंगल पे जो झुका होता है इसको हम प्रिज्म बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं कोई रेखा यहाँ से अगर कोई जाती है, ठीक है, तो वो यहाँ से निकलती है, ठीक है, किसी एंगल पे, तो ये इसी को बोलते हैं, कहते हैं प्रिज्म। ये क्या होता है, अपवर्तक, हाँ, इंसिडेंट रे, या क्या कहते हैं, आपतित किरण, हैं, ठीक है, किरण, और इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, इसको बोलते हैं इमरजेंट रे, इमरजेंट, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये हो गया आपका प्रिज्म। ये जो एंगल होता है, जिस एंगल पर बना होता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म, नहीं डेल्टा नहीं बोलते हैं। ठीक है, रफली हुए, ये जो होता है, ये जो है, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे आधार या बेस। ठीक है, ठीक, इसको बोले, इस वाले को क्या बोलेंगे, इसको अपवर्तक पृष्ठ, क्या बोलेंगे, अपवर्तक। ठीक है, एक कोर होती है, कोर, ये वाली कोर, इसको बोलते हैं अपवर्तक कोर। ये चीज समझ में आ गई, एक कांच का बना एक पारदर्शी एंगल, झुके हुए एंगल पर बने कांच की प्लेटों को उसको हम प्रिज्म बोल देते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, इसको बोल देते हैं, इससे हम ऐसे भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक, ये सारी चीज समझ में आ गई। प्रिज्म एक आधार होता है, एक आधार होता है, एक किसी एंगल पर कहते हैं दो जो पृष्ठ होते हैं वो मिले हुए होते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं क्या, प्रिज्म। अब क्या इसको बनाना चाहो तो बना लो, अपवर्तित हो जाती है, उन पृष्ठों को हम क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। जो कोर है, जिस एंगल पे, मतलब जो 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 टच होते हैं दोनों, जैसे टच होते हैं, जैसे टच होते हैं, तो वो ऊपर वाली जो बनी हुई कोर है उसको हम अपवर्तक कोर कहते हैं। ठीक है, जिस एंगल पे क्या कहते हैं दोनों पृष्ठ मिलते हैं, उस एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। और जहां पे वो रखे जाते हैं उसका बेस होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, सारी चीज हो गई। देखो, किरण तुम्हारी यहाँ से भी जा सकती है, यहाँ से निकल सकती है। अगर तुम्हारी किरण यहाँ से जाएगी तो इस वाले से निकल सकती है। ठीक है, और अगर यहाँ से आती है, इधर से निकलती है, तो ये वाले पृष्ठ हो गए। ठीक है, कुल मिला के कहीं पर भी अगर तुम्हारा ऐसा कोण बन रहा है, ठीक है, अगर ऐसी रेखा जा रही है, जैसे हमें ये रेखा जा रही है और ऐसे मतलब जैसे ये है, ऐसे निकल रही है किसी भी एंगल पे, तो वो उसको प्रिज्म बोलेंगे हम। ठीक है, एक दूसरी चीज समझ आ गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बनाया, जैसे हमने क्या बनाया, ये क्या है, बाल, क्यूब है, है स्लेब कहेंगे। अगर कोई रेखा, जैसे हमारी क्या कहते हैं इंसिडेंट रे,
हमारी ऐसी आती है और वो इधर से क्या कहते हैं पास होती है, ठीक है, इधर से निकलती है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हुई, एक स्लेब हुई, बोलो स्लेब मतलब जानते क्या होती है, सिल्ली, सिल्ली मतलब जानते हो, कोई पट्टी प्लेटें होती है ना, सिल्ली या कहते हैं, ठीक है। अगर यही वाली रेखा अगर ऐसी जाती, ठीक है, और ऐसे निकल जाती है, मतलब देखो अगर कहीं पर भी दो पट्टी है, दो दो का कहते हैं रेखा है, तीसरी पर नहीं गई है, तो वो क्या होगी, एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। तो ये वाला देखो दो है रेखा, तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, बोलो ये क्या हो गई, क्योंकि यहाँ ऐसा बन रहा है, ऐसा मतलब ये बन रहा है, अगर हमारा ये बन रहा है तो क्या हुआ, प्रिज्म हुआ। कहीं पर भी अगर कोण निकल के आ रही है ऐसे ऐसे, ठीक है, वो सारे के सारे जहाँ पे हमारे दो पृष्ठ से होते हैं, वो सारे के सारे प्रिज्म का कार्य करते हैं, ठीक है, ये तो चीज समझ आ गई। चलो ये कोई प्रिज्म है, है प्रिज्म का एक पृष्ठ, इसको पहले हम बंद कर दो। अब जैसे ये पृष्ठ दिया है, ठीक है, ये कोई ये कहते हैं एंगल पे प्रिज्म बना है, अब इसमें कोई इंसिडेंट रे हमने क्या कहते हैं डाली, ठीक, इंसिडेंट रे, अब इसका एक नॉर्मल होगा, नॉर्मल, बोलो ये नॉर्मल है। अब तो मैं बता दें कि जैसे यहाँ पे एयर है, कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम है, यहाँ पे भी एयर मीडियम है, बोलो एयर मीडियम लगभग लगभग हर मीडियम से हल्का होता है, तो उसको हम रेयर मीडियम कहेंगे, रेयर मीडियम मतलब विरल माध्यम, ठीक है, और दूसरे जितना भी क्या कहते हैं मीडियम होंगे वो सघन माध्यम होंगे एयर के कंपेरिजन में, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका माध्यम सघन होगा, जब ये सघन होगा तो ये नॉर्मल है, जब नॉर्मल या कोई रेखा जाती है तो वो नॉर्मल सघन माध्यम में कैसा होती है, क्या कहते हैं, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, नॉर्मल की ओर झुक जाती है कि नहीं जाती है, तो ये क्या कहते हैं इधर झुकेगी, तो बताओ क्या कहते हैं, हमने यहाँ से टकराने के बाद एक कुछ ऐसे झुक गई, देखो ऐसे जा रही क्या होती, वो सीधी आती, बोलो ये सीधी आती कि नहीं आती, बोलो भैया सीधी आती, लेकिन वो कैसे ऐसे झुक गई है, बोलो तो ये सीधी जाएगी, बोलो ना। अब देखो एक नॉर्मल हम कहते हैं यहाँ पर भी होगा, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल ये होता है जो पृष्ठ होता है उससे क्या 90 अंश कोण, बोलो इतनी चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। तो ये क्या हुई, अब ये फिर किधर आ गई, तो ये क्या कहते हैं नॉर्मल से दूर हटेगी, तो ये नॉर्मल से तुम्हारी दूर हट रही है, बोलो इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इमरजेंट रे, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब ये जिस एंगल पे रहते हैं वो होती है, इसको क्या बोलेंगे हम, आई बोलते हैं, सॉरी आई क्या के लिए बोलते हैं, आई तो इसके साथ होगा ना, बोलो ये क्या होगा, आर, रिफ्लेक्टिव होता है ना, तो आर हो गया, इसको हम मान लेते हैं आर वन चाहे मान लेते हैं, बोलो ठीक है। अब इधर पे ये जाएगी, यहाँ पे हम आर टू मान लेते हैं, बोलो इस एंगल पे जैसे जाएगी, इसको मान लेते हैं हम कुछ भी मान लेते हैं, हम मान लेते हैं ई मान लेते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में है ये भी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी, ये क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये होता है, है? होता है ना, कन्फर्म पता है, चलो ठीक है। अब एक चीज़ ये बता दें, ये रेखा जब ऐसी गई है, एंगल ऑफ डेविएशन की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण, ठीक है, इसको कहेंगे क्या, विचलन कोण, ठीक है, हम इसी को ऐसे शो करते हैं, ठीक है। तो ये विचलन कोण होता क्या है, विचलन का मतलब क्या है कि कितनी रेखा तुम्हारी विचलित हो गई है अपने मार्ग से, हमने रेखा ऐसी भेजी थी, ठीक है, वो रेखा कैसी हुई, ऐसी हो गई, तो जो यहाँ से ऐसी हो जाती है इसी को हम विचलन कोण कहते हैं,
हमने रेखा कैसी भेजी? ऐसी भेजी, अगर मैं मीडियम डांसर ना होता तो क्या कहते हैं वो रेखा सीधी निकल जाती, लेकिन वो क्या हुई अपने मार्क से विचलित हो गई, तो विचलित हो गई तो ऐसी मुड़ गई, मुड़ गई तो जो एंगल बना, जिस एंगल पर विचलित हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, ये विचलन कोण, बोलो इसी को हम कहेंगे डेल्टा, ठीक है, इसी डॉट करते हैं विचलन कोण। ये चीज समझ आ गई, कंफर्म? ठीक, इतनी चीज समझ आ गई अच्छे से। अब देखो एक चीज तुम्हें बता दें, नॉर्मल हमेशा पृष्ठ से कितना होता है, 90 अंश का होता है, इसका कोण जितना 90 अंश है तो ए वाला कोण और ए वाला कोण 90 अंश है, बोलो। जब ये पूरा 90 अंश है, और एक चीज और बता दूं, ये आई है, ये आई है, अगर दो एंगल होते ऐसे 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 तो ए वाला कोण और ए वाला कोण दोनों बराबर होते, बोलो। ए आई है तो ये भी आई होगा, बोलो। तो जो इतना एंगल है कितना, ये चीज समझ में आ गई, तो ए वाला कोण आई होगा तो ए वाला कोण कितना हो जाएगा, आई माइनस आर, बोलो आई माइनस आर वन होगा। इसको साफ साफ बना दे, दिखाई दे रहा होगा इसमें बोर्ड में, दिखाई दे रहा क्या, आई माइनस आर, बोलो ए वाला कोण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे ही कहते, देखो ये ई है तो ये भी ये होना चाहिए पूरा, बोलो तो ये कितना हो जाएगा, ई माइनस आर टू, बोलो। इतनी समझ में आ गई। अब देखो जैसे त्रिभुज होता है ए वाला, तो जो ए वाला कोण होता है, ये दोनों इन दोनों कोणों को ये होता है एक्सटीरियर एंगल, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, बहिष्कोण बोलते हैं, बहिष्कोण। तो बहिष्कोण से अगर हमारा ए क्या कहते हैं के है और ये पी है, तो इसका मान कितना हुआ, के प्लस पी होगा, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ डिविजन बराबर क्या हो जाएगा इन दोनों को, ये तो बोलो कितना हो जाएगा, आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू, बोलो। इसको हम कोष्टक में कर दें, कोष्टक में तो था ही, ठीक है, बोलो। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आई प्लस ई और प्लस, यही तो करेंगे, माइनस कर लो, प्लस ना करो, क्योंकि माइनस कॉमन है, माइनस इसमें है, माइनस इसमें है, तो माइनस कॉमन ले, माइनस आर वन प्लस आर टू, बोलो भैया ये डेल्टा आ गया, बोलो। इतनी चीज़ समझ में आ गई, अभी ये कहते हैं तुम्हारी उसमें काम आएगी, हाँ। तो ये चीज़ समझ में आ गई अच्छे से, ये समझाने के लिए मैंने बताया था, तो इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ, इसको भी साफ कर दे रहा हूँ। क्यों हो गया बहिष्कोण की वजह से, क्या होगा, ठीक है, ये चीज समझ आ गई थी। अब चलो अब हम एक चीज और ले रहे हैं समझाने के लिए। अब देखो ए आर वन है, ए आर टू है, तो ए पूरा कितना हो जाएगा, ये ट्रायंगल होगा पूरा, तो ए वाला कितना हो जाएगा, 180 माइनस आर वन, आर वन माइनस आर वन प्लस आर टू, बोलो 180 माइनस आर वन प्लस आर टू होगा। ये तो समझ आ गई। अब हम इस त्रिभुज को ले लेते हैं, इस वाले पूरे चतुर्भुज को ले लें, तो इसको ले लेते हैं, तो देखो ये पूरा ऐसा बन रहा है, बोलो भैया बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो ए वाला इसमें 90 अंश का कोण है, ये जो है 90 अंश का कोण है, देखो ये वाला जो है इसके साथ और इसके साथ 90 अंश का है, क्योंकि नॉर्मल है ये, और ये 90 अंश का है पूरा, बोलो। तो ये भी 90 अंश का है, ये ए दिया है, देखो ये ए दिया है, और यहाँ पे ये कहते हैं ये कितना है, ये तुम्हारा दिया है 180 माइनस आर वन प्लस आर टू, बोलो ए दिया है। तो अब हम चतुर्भुज के चारों कोणों को एक 360 होता है, तो हम इसको ऐसे कर दें, ए प्लस 90 प्लस 90 प्लस 180 माइनस माइनस
आर वन प्लस आर टू यही होगा बोलो बराबर 360 बोलो भैया। तो अब ये देखो 180 एक अगर 360 हो गया तो ये क्या हो गया ए बराबर देखो 90 360 हो गया ये कट गया इधर जाएगा तो बोलो यहाँ 0 आ गया इसको हम चाहे तो धर ले लें तो ए बराबर क्या होगा आर वन प्लस आर टू ये फॉर्मूला आपको एक काम आएगा। अब ए बराबर आर वन प्लस आर टू आ गया तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं देखो ये चीज़ है तो इसको भी लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं हम डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस ए ये दो फॉर्मूले आप अच्छे से पूरा चीज नोट कर लीजिए आप सभी की सभी ये चीज समझ में आ गई ये आप एग्जाम्पल में समझ में आएंगे सवालों के लिए। अब देखो तुम्हारे हाई स्कूल में इतना ही है और दो तीन दो चीज़ें दो फॉर्मूला और हैं जिसमें कहते हैं प्रूफ में कुछ दिया नहीं है लेकिन मैं इसको डायरेक्ट दे रहा हूँ ताकि डायरेक्ट आप याद कर लीजिए याद करने काम आएगा। जैसे सवाल जैसे दिया गया है पहला हमारा एक चीज़ और नोट कर लीजिए देखो ये तो आपने नोट कर लिया होगा। तीसरी चीज क्या एन बराबर क्या होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइड टू अपॉन साइन ए बाई टू और एक होता है पतले प्रिज्म के लिए किसके लिए पतले प्रिज्म मतलब प्रिज्म ऐसा है इसका नॉर्मल एक ही है जैसे बहुत पतला प्रिज्म दे दिया इसका एंगल बहुत कम है मतलब 10 डिग्री 12 डिग्री है तो ये लगभग नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा तो जैसा नॉर्मल इसका होगा इसका होगा लगभग सुन रहे हो मेरी बात ठीक है। तो पतले प्रिज्म के लिए डेल्टा एम बराबर एन माइनस वन इंटू ए एन माइनस डेल्टा एम बराबर इतना ठीक है। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए इन्हीं के बेसिस पे आपके सवाल हैं सवाल मैं पहले करा चुका हूँ आपको है कोई बात नहीं है फिर कभी सवाल करवाएंगे कहते हैं इंसिडेंट रे है वो 60 अंश के एंगल पे इंसिडेंट होती है ठीक है। इसका कहते हैं हमें आर टू दिया है आर वन हमें नहीं दिया है ठीक है। इसका म्यू नोट दिया है म्यू नोट मतलब इसका इसका अपवर्तनांक एन और यार यहाँ पर मीडियम में हमें निकालना है फाइंड ए ए मतलब हाँ एक एग्जांपल है इसका यूज करके ठीक है। तो ये हमें निकालना है मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना है तो कैसे निकालेंगे कोई बता सकता है। चलो देखो हम कहते हैं हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है स्नेल्स लॉ पढ़ा है स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू होगा तो एन वन अपॉन एन टू होता है एन अपॉन एन अकेले होता है क्योंकि दोनों एन बराबर हो तब वो होता है ठीक है। एन वन मान लो या म्यू नोट मान लो म्यू मान लो ठीक है म्यू म्यू वन वही एन या म्यू ठीक है। तो यहाँ पे साइन आई मतलब साइन आई बराबर म्यू टू ठीक है क्या होता है साइन आर यही हुआ। तो यहाँ पे देखो म्यू क्या है एयर का अपवर्तनांक कितना होता है वन होता है कितना होता है वन साइन आई कितना है साठ साइन साठ बराबर म्यू नोट कितना दिया है रूट थ्री दिया ये कितना है साइन आर हमें पता नहीं है इसकी आर वन वैल्यू तो साइन आर वन बोलो साइन आर वन की वैल्यू टू बार ठीक है। इसका मान रखेंगे तो कितना आएगा रूट थ्री बाई टू यहाँ पे रूट थ्री साइन आर वन लिखा है रूट थ्री कट गया एक बटे दो आ गया तो साइन आर वन इक्वल टू एक बटे दो आर वन इक्वल टू 30 आ गया बोलो भैया है। तो यहाँ का एंगल कितना होगा 30 है। अब ए का मान कितना होगा आर वन प्लस आर टू होता है ए बराबर तो ए बराबर हमें ए निकालना है तो हमें आर वन निकाला है आर टू ए दिया है तो 60 हो गया बोलो ऐसे सवाल आता है बोलो अब हमने सवाल तुम्हें करवाए हैं इसके विशेष पे सवाल करवाए हैं तो अब इसको स्किप करते हैं आगे चलते हैं ठीक है। आगे जितना तुम्हारा है आज टॉपिक खत्म कर देते हैं। अब पहले बेसिकली ऑफ लाइट रे
प्रिज्म के कारण डिस्पर्शन कैसे होता है? जैसे ही कहते हैं हमने कहते हैं कोई ये लेते हैं ठीक है, अब कोई रेखा हमारे ऐसे टकराती है चालू है ठीक, तो अभी हम क्या कहते हैं ऐसे दो तीन चार पाँच ठीक है दो तीन ठीक है। अब इसमें होता है बिबिग्योर, कैसे बिबिग्योर? सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? रेड कलर की। किसकी होती है? ठीक है तो यहाँ पे हो गया रेड ठीक है, फिर होता है ऑरेंज ठीक है, ठीक है फिर ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हो आर ओ वाई जी बी आई वी, इसी को हम क्या कहते हैं बिबिग्योर कहते हैं ठीक है। इसकी जो वो होती है क्या होती है तुम्हारी सॉरी ये नहीं होता है यहाँ से होता है एंगल ये होता है आई ठीक है। तो जो हमारा ये रंग होता है डिस्पर्स होते हैं ये कहते हैं तरंग देर ऊपर होती है, तो इसकी वेवलेंथ कैसी होती है वेवलेंथ ठीक है। तरंग देर जिसकी तरंग देर ज्यादा होती है उसकी कहते हैं डेविएशन से कम होता है चालू है। तो जैसे इसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है 7000 एंगस्ट्रॉम से किसी होती है कितनी होती है 7800 से कितना होता है 6400 एंगस्ट्रॉम तक होती है, और इसकी कितनी होती है 4400 से 4000 एंगस्ट्रॉम तक होती है ठीक है। इसी के बीच में सारी चीज़ें होती हैं ठीक है, ऐसे वेवलेंथ होती है अलग अलग। अब ऐसे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कहते हैं हमारा इंद्रधनुष कैसे बनता है। इंद्रधनुष तो पहले हम बता रहे हैं इंद्रधनुष कैसे बनता है, जैसे पानी की बूंदें होती हैं ठीक है, जब बारिश होती है तो पानी की बूंदें होती है, तो जब कहते हैं कोई रे किरण आती है किससे सूरज से, तो बूंद क्या है प्रिज्म का काम करता है, तो बूंद क्या होता है प्रिज्म का काम करता है, वो सारे 7 रंगों में अलग अलग रंगों में विभक्त कर देता है, इसलिए आसमान में कभी कभार वो प्रिज्म बन जाता है ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, तो ये कहते हैं ये कहीं ना कहीं बड़ विक्षेपण का ही एक उदाहरण है ठीक है। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, जैसे वायुमंडल होता है ठीक है, वायुमंडल से कहते हैं कोई रे आती है बहुत दूरी से, तो हमारे जो जहाँ से हमारा वायुमंडल होता है तो बहुत जगह पर ये कहते हैं अलग अलग एंगल पे रिफ्रैक्शन होता है ठीक है, एंगल पे अपवर्तन होता है, जिस कारण से जो किरण है वो विचलन विचलित करती 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 हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिस वजह से हमको जो जितने भी कहते हैं साइड्स होते हैं जितने भी कहते हैं जगह यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट हुई है, तो वो कहते हैं एंगल हमें बार बार देखते हैं, तो इसलिए हमें टिप 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 मारते हुए प्रतीत होती है ठीक है। हाँ हाँ तारे तारे टिमटिमाते हैं ना, तारों की बात कर रहा हूँ मैं, तारे क्योंकि बहुत दूर से आ रही है रे, इस वजह से हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होती है ठीक है। और जो प्रकीर्ण है, प्रकीर्ण आपके टॉपिक से हटा दिया गया है इसलिए इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, फिर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर, तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं और इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे कुछ अच्छी चीज़ें ठीक है।